स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की सेवा करें, जैसा कि लूका के पुस्तक अध्याय 5 उसकी 10 आयत में लिखा है, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप इस ऊपर दिए गए वचन को ध्यान से पूरा पढ़ें, तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ज्यादा भीड़ होने के कारण नाव पे चढ़कर वचन सुनाने लगे, तब वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उसके साथियों से कहा कि मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल पानी में डालो और गहरे में ले जाओ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करने की कोशिश की कि हमने सारी रात प्रयत्न किया परंतु एक भी मछली ना पकड़ी। फिर भी पतरस ने उनके कहने पर जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगे। जब उन्होंने दूसरे मछुआरों को इशारा किया तो उनके भी जाल इतने भर गए कि फटने पर आ गए। पर एक बात पर ध्यान दें कि कुछ ही समय पहले जब उन्होंने जाल डाला तो कोई भी मछली ना पकड़ी थी। इस चमत्कार के होने के बाद पतरस प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया और कहा कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर हो जा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। याद रखें, पतरस के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने का मकसद उसको बहुत अमीर करना नहीं था। ये नहीं कि परमेश्वर व्यापार में आशीष नहीं देता। अगर आपकी बुलाहट व्यापारी की है तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस के जीवन में चमत्कार करने का कारण ये था कि वो परमेश्वर की सेवा करे, और इसी प्रकार वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब आप रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 11 आयत में पढ़ें, तो लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। याद रखें, परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में करता है उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता है। वो मकसद ये है कि सेवा सिर्फ अगुए के लिए ही नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए भी है। एक बात हमेशा याद रखें, आपके जीवन में कुछ काम तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप सेवा में नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हर एक इंसान सेवा के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की सेवा करना और उसकी ओर से हर एक के लिए एक आज्ञा है। मेरे प्रियो, जब आप लूका की किताब को और आगे ध्यान से पढ़ें, तो लिखा है कि बहुत सी औरतें दुष्ट आत्मा और बीमारियों से आजाद होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ थी ताकि परमेश्वर की सेवा अपनी संपत्ति से कर सके। आज आपको अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है कि आप किस तरह परमेश्वर की सेवा कर सके, क्योंकि आपके जीवन की कुछ आशीषें ऐसी हैं जो आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप परमेश्वर की सेवा में नहीं आते। ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपसे परमेश्वर अधिक प्यार करेगा, और जब आप सेवा में नहीं होते तो आप अपनी आशीष को खो देते हैं। इसलिए आज आपको ये चाहिए कि आप उन आशीषों को पकड़े रखें जो आज परमेश्वर आपके सामने रख रहा है। इसी रीति से आप अपने दिल की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। ये तब ही संभव है जब आप सेवा में होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर, कि मैं पतरस और उन औरतों की तरह जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी आपकी सेवा करूँगा, ताकि मैं आपके कामों को करते हुए आपके राज्य के लिए बो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।